पांच ही बनोगे? यस सर। पांच ही बनोगे? यस सर। ध्यान रखना फौजी बनने के लिए साथी जोश जुनून जज्बा होना चाहिए और इसके लिए निरंतर प्रयास अपनी बॉडी का 100% धैर्य और विवेक के साथ मेहनत करना पड़ेगा। जो बंदा निरंतर प्रयास कर रहे हैं मैं लिख के दे रहा हूं दोस्तों, सामने वाला फिजिकल चाहे 5 किलोमीटर का हो या 1600 मीटर का हो, आप 1600 मीटर 101% और 5 किलोमीटर रेस 101% एक्सेलरेट मार दोगे। साथियों आप सभी लोग जानते हैं, पहले बताओ मुझे 5 किलोमीटर रेस वाले एसएससी जीडी वाले कौन कौन बंदे हाथ खड़े करो, कैसा लग रहा है आप सभी को? हाँ भाई ऐसा लग रहा है फिजिकल क्लियर करेंगे? यस सर। 5 किलोमीटर रेस है और जिसका टाइमिंग होता है 24 मिनट डाउन। 5 किलोमीटर रेस के लिए सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है डाइट की, कि दोस्तों लंबी रनिंग है, बात समझ में आ रही? जितना ज्यादा डाइट लोगे और जितनी ज्यादा मेहनत करोगे परिणाम उतना ही शानदार रहेगा, बात समझ आ रही? दोस्तों आपको बता दूं, 5 किलोमीटर रेस कभी क्वालिफाई करना है तो ये मत सोचो कि यार मेरा 100 किलो वजन है 80 किलो वजन है दौड़ पाऊंगा नहीं दौड़ पाऊंगा, लेकिन मैं बोलना चाहूंगा दोस्तों अंदर से जुनून होना चाहिए, हिम्मत होना चाहिए, जोश होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए और कभी ये चीज आपके अंदर है मैं लिख के दे रहा हूं आप 1600 मीटर रेस 5 किलोमीटर रेस एक्सेलरेट मार दोगे। डाइट के साथ में दोस्तों होना चाहिए ग्रुप के साथ में रनिंग करो और जितना ज्यादा ग्रुप के साथ में रनिंग करेंगे उतना ही ज्यादा मोटिवेट होंगे। सेकंड बात, प्रतिदिन का शेड्यूल आपका अलग अलग होना चाहिए। जैसे हम बोलने चाहेंगे एक दिन आप क्रॉस कंट्री लगाओ, एक दिन ब्रिज रनिंग करो, एक दिन इंडोरेंस लगवाओ, एक दिन आप रिपीटेशन लगाओ, एक दिन शॉर्ट्स मारो। जितना ज्यादा रनिंग करोगे और जितनी लंबी रनिंग करोगे और जितनी ज्यादा एक्सरसाइज करोगे तो दोस्तों आप 5 किलोमीटर रेस 24 मिनट का टाइमिंग है मैं आपको बोल रहा हूं आप 1600 मीटर में दे कर देंगे। ऐसा लग रहा फौजी बनेंगे? यस सर। हाथ खड़े करो 5 किलोमीटर वाले, 5 किलोमीटर वाले सही जगह आए हो? यस सर। ऐसा लग रहा फौजी बनेंगे? यस सर। बस मेहनत करो, प्रतिदिन मेहनत करो, आपका काम है केवल दौड़ने दौड़ने का। और आप इंडियन आर्मी वाले दोस्तों, इंडियन आर्मी की तो बंदे तैयारी करे, रिटर्न और फिजिकल पे ध्यान देना, रिटर्न और फिजिकल पे ध्यान देना। और कभी आप भी आना चाहते हो दोस्तों, रिटर्न और फिजिकल की फीस मात्र 5000 रुपए है, रहना और खाना 4500 पर मंथ रहेगा। तो वेलकम टू इंदौर फिजिकल एकेडमी, आप भी आइए और अपनी अपने सपने को साकार करिए, फौजी बनोगे? यस सर। सबसे पहले सभी दोस्तों को जय हिंद। जय हिंद। मेरा नाम जितेंद्र प्रजापति है, मैं यहाँ फरवरी में ट्रेनिंग के लिए आया था। लगभग मैं यहाँ से 4-5 महीने ट्रेनिंग करने के बाद एसएससी जीडी का पेपर दे इसका पेपर क्लियर करने के बाद जब यहाँ आया था ट्रेनिंग करने तो लग नहीं रहा था कि ट्रेनिंग हो पाएगी, लेकिन गुरुजी ने इतना मेहनत करवाया और जो ब्रिज रनिंग होती थी उसके बाद मैंने 5 किलोमीटर रनिंग निकाली और उसके बाद मेरा एसएससी जीडी फाइनल सिलेक्शन हुआ। बहुत बहुत शुभकामनाएं बाबू। मेडिकल कैसा होता है आपका एसएससी का, थोड़ा सा बताओ दोस्तों लोग को। मेडिकल क्योंकि सामने अभी रिटर्न टेस्ट है, रिटर्न के बाद में तुरंत बाद में आपका मेडिकल टेस्ट होता है फिजिकल टेस्ट के बाद में, तो मेडिकल टेस्ट कैसे होता है? मुझे मेडिकल वगैरह नॉर्मली होता है, जैसे अपन कहाँ जैसे बताते हैं कि जैसे इंडियन आर्मी में होता है सेम जैसे होते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होती नहीं, है कोई दिक्कत नहीं। चलो दोस्तों बताना चाहूंगा एसएससी जीडी में बराबर 170 सेंटीमीटर प्लस आपकी हाइट होना चाहिए दोस्तों।